नमस्कार, मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम लोग द्वितीय वर्ष कला के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के एक महत्वपूर्ण बिंदु राजमुकुट की शक्तियाँ और उसकी वास्तविक स्थिति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले चर्चा के दौरान राजमुकुट से अभिप्राय, राजमुकुट और सम्राट के मध्य भेद आदि के संदर्भ में चर्चा की और हमने ये जाना कि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, अतः वहाँ जो कार्यपालिका है उसके दो प्रकार हमको दृष्टिगत होते हैं, इसमें कि एक प्रकार औपचारिक कार्यपालिका का है और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। तो यहाँ हमने यह देखा कि सम्राट अथवा राजमुकुट औपचारिक कार्यपालिका की श्रेणी में आते हैं, जिनकी की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। हमने राजमुकुट के संदर्भ में चर्चा करते हुए इसकी जो प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक की जो स्थिति है, इसका जो महत्व है, उसका अध्ययन पिछले व्याख्यान के अंदर या चर्चा के अंदर किया। आज हम लोग जो राजमुकुट की जो शक्तियां हैं सैद्धांतिक रूप में उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ यह चर्चा करना प्रासंगिक है कि सैद्धांतिक रूप में जो ब्रिटेन का सम्राट है उसको बहुत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। कानून के अनुसार वह व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग है, प्रशासन का अध्यक्ष तथा इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में न्यायपालिका का प्रधान भी है, समस्त सैन्य शक्तियों का नियंता है और चर्च का अध्यक्ष भी है। सम्राट को ब्रिटिश राज्य का मानवीकृत रूप कहना उचित है। सामान्यतः जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमको यह प्रतीत होता है कि जो ब्रिटिश सम्राट है या राजमुकुट है उसके पास सैद्धांतिक रूप में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। जब हम सम्राट की शक्तियों के जो स्रोत हैं उनकी चर्चा करते हैं तो हमको यह ज्ञात होता है कि सम्राट की शक्तियों का जो विकास है वो दो स्रोतों से हुआ है, जिनमें पहला है राजकीय विशेषाधिकार और दूसरा है संसदीय अधिनियम। अर्थात इन दो माध्यमों से सम्राट की शक्तियों को विस्तार प्राप्त हुआ है। जब हम राजमुकुट की शक्तियों की चर्चा करते हैं तो हम राजमुकुट की शक्तियों को मोटे रूप में कुछ भागों के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें पहला भाग है कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ या कार्यपालिकीय शक्तियाँ। यहाँ यह चर्चा करना प्रासंगिक है कि राजमुकुट का जो मुख्य संबंध है वो कार्यपालिका से है, इस रूप में उसके कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उसे अत्यंत व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनमें कि राजमुकुट का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना है। राजमुकुट प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्य के सभी उच्च अधिकारी, जल, थल और नवसेना के समस्त पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध हैं, औपनिवेशिक राज्य तथा अधीनस्थ प्रदेशों का जो शासन आदि का जो कार्य है वो राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित व संपादित होता है। राजमुकुट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है, युद्ध की घोषणा तथा संधि वार्ता भी राजमुकुट के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। राजमुकुट के द्वारा अपराधियों को क्षमा करना या उनके दंड को कम करने का कार्य भी किया जा सकता है। स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है। राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण व संचालन करता है। मंत्री जो भी हैं वो व्यक्तिगत व सामूहिक रूप में जो भी कार्य करते हैं वो राजमुकुट के नाम करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजमुकुट को जो कार्यपालिकीय क्षेत्र में शक्तियां प्राप्त हैं वो अत्यंत व्यापक हैं। जब हम इसके दूसरे स्वरूप
अर्थात व्यवस्थापन संबंधी शक्ति या व्यवस्थापकीय शक्तियों का अध्ययन करते हैं, तो कुछ बातें हमको जो दिखलाई पड़ती हैं, दृष्टिगत होती हैं, वो इस प्रकार हैं कि जो राजमुकुट को इस क्षेत्र में जो शक्तियाँ हैं वे भी काफ़ी व्यापक हैं। क्यों? क्योंकि कानून निर्माण की जो शक्ति है वो संसद सहित सम्राट या राजमुकुट को प्राप्त है। इस प्रकार राजमुकुट के द्वारा संसद जो है वह मिलकर व्यवस्थापन जो संबंधी जो शक्ति है उसका प्रयोग करता है। इन शक्तियों में प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों में से जो द्वितीय सदन है उसके निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। राजमुकुट को पीयर बनाने का अधिकार प्राप्त है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पीयर बनाया जाता है वे केवल लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। जो लोक सदन है उसके चुनाव की तिथि भी राजमुकुट के द्वारा घोषित की जाती है। राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है और स्थगित कर सकता है। लॉर्ड सभा एक स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट लोक सदन को विघटित भी कर सकता है। संसद के आरंभ में जो राजमुकुट या सम्राट है वो भाषण देता है जिसमें देश की नीति के ऊपर प्रकाश डाला जाता है। हालांकि ये जो भाषण है वो मंत्रियों के द्वारा ही तैयार किया जाता है और राजा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता इस प्रकार की सम्राट के द्वारा की जाती है। कोई भी विधेयक उस समय तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि सम्राट के हस्ताक्षर ना हो जाएं। इस प्रकार विधि निर्माण के क्षेत्र में भी सम्राट को शक्ति प्राप्त है। राजमुकुट जो है वो अधिराज्य के संबंध में घोषणाएँ व अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो पिछले कुछ समय में राजमुकुट को व्यवस्थापन के क्षेत्र में और एक शक्ति प्राप्त हो गई है, वह सपरिषद आदेश। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राजमुकुट या सम्राट व्यवस्थापकीय क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियां रखता है। इसके अतिरिक्त कुछ न्यायिक क्षेत्र की शक्तियां भी जो हैं राजमुकुट या सम्राट को प्राप्त हैं। जैसे कि सम्राट जो है उसको न्याय का स्रोत कहा जाता है। ब्रिटेन के सभी जो सम्राट न्यायालय हैं वो सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और संसद की प्रार्थना पर उन्हें हटा सकता है। वे अपराधियों के दंड को सीमित कर सकता है या उन्हें क्षमा कर सकता है। इस प्रकार से सम्राट को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी सम्राट को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसमें कि जो सम्राट है वो इंग्लैंड में जो एंग्लिकन चर्च है और रानी जो एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्राट चर्च के समस्त जो अधिकारी हैं जैसे कि आर्क बिशप, बिशप, डीन, कैनन आदि की नियुक्ति करता है, है ना। सम्राट जो है वो धार्मिक सम्मेलन को बुलाता है। इन सम्मेलनों के द्वारा जो नियम पारित किए जाते हैं उन पर सम्राट के हस्ताक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सम्राट जो है उसकी स्थिति एक धर्मरक्षक के समान भी है। इसके अतिरिक्त सम्राट की शक्तियों में प्रमुख है वह सम्मान का स्रोत है। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि राजमुकुट जो है उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वे ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ उपाधियाँ प्रदान करता है, जिसमें कि ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट और लॉर्ड आदि उपाधियाँ सम्राट को के द्वारा प्रदत्त की जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्राट को शक्तियाँ व्यापक रूप में प्राप्त हैं। किंतु जब हम सम्राट की स्थिति का वास्तविक स्थिति का आकलन करते हैं तो हमें यह दिखलाई पड़ता है कि सम्राट जो है वो राज करता है, शासन नहीं करता। शासन क्यों नहीं करता? क्योंकि वह शक्तियों का स्वयं प्रयोग करता या अपने बुद्धि विवेक से प्रयोग करता नहीं है, वरन मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। राज क्यों करता है? क्योंकि उसके हस्ताक्षर के माध्यम से उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट की जिन शक्तियों का उल्लेख होता है व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग सम्राट के द्वारा नहीं वरन कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। सम्राट तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है जो राज्य करता है, राज करता है, शासन नहीं करता। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, इस कारण प्रत्येक सार्वजनिक कार्य के लिए जो मंत्रिपरिषद है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। एक विद्वान हुए हैं, वे सम्राट की शक्तियों के संदर्भ में कहते हैं, फाइनर जो हैं वो कहते हैं कि यह अर्थात सम्राट विशाल गगनचुंबी और वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शून्य शक्ति का एक शून्य स्थान है। अर्थात यहाँ पर फाइनर महोदय का मत है कि सम्राट एक व्यापक रूप में दृष्टिगत होता है जिसका
जो ओरा है बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक अर्थों में जो उसकी शक्तियाँ हैं वो शून्य के समान है। जब हम सम्राट की शक्तियों के संदर्भ में इस अध्ययन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वास्तविक अर्थों में या व्यवहार में सम्राट की शक्तियाँ बहुत सीमित हैं, अर्थात वह अपने बुद्धि विवेक के आधार पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता, वह अपने समस्त कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। ब्रिटेन में एक और बात प्रचलित है, वह है कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। इसके पीछे कारण यह है कि सम्राट स्वविवेक से तो कोई कार्य करता नहीं है, वह कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है, और सम्राट जो है वह कानूनों से ऊपर भी है, ठीक है, इसलिए कानून की दृष्टि से राजा कभी अपराधी भी नहीं हो सकता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। असंवैधानिक कार्य के लिए किसी सम्राट के नाम पर कोई उन्मुक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती है। जब हम प्रशासन के संदर्भ में सम्राट की स्थिति और प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो हमें यह दृष्टिगत होता है कि ब्रिटिश शासन में सम्राट की वास्तविक स्थिति जो है उसमें शक्ति और प्रभाव जो है उसका अंतर हम कर सकते हैं। वास्तविक अर्थों में हम कह सकते हैं कि प्रशासन में उसकी स्थिति एक स्वर्णिम शून्य अर्थात गोल्डन जीनो या रबड़ की मोहर के समान जो है दृष्टिगत होती है, लेकिन वास्तविक अर्थों में ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सम्राट एक निष्क्रिय इकाई नहीं है। ब्रिटिश राज्य का प्रमुख होने के नाते ब्रिटिश राज्य और जनता के हितों की रक्षा उसका पवित्र कर्तव्य है। सम्राट अपने इन अधिकारों के आधार पर वास्तविक प्रशासन को किस सीमा तक प्रभावित करता है, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संसदीय शासन की परंपरा के अनुसार सम्राट और प्रधानमंत्री के मध्य की जो मंत्रणा है वो गुप्त रखी जाती है। वास्तव में सम्राट के प्रभाव का एक कारण यह है कि सम्राट व्यक्तिगत रूप में कुछ ऐसे कार्यों का संपादन करता है जिन्हें कोई अन्य नहीं कर सकता। वह विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, पीयर नियुक्त करता है, उपाधियां देता है, सिंहासन बहन देता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और लोकसभा का विघटन भी वही करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यद्यपि सम्राट जो है वो शक्तिहीन है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के चुनाव तथा अन्य कुछ बातों में विशेष परिस्थितियों के अंतर वह अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकता है। तो यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि इस सम्राट का या राजपद का क्या औचित्य है, जबकि वर्तमान में अधिकांश राष्ट्रों में जहाँ की लोकतंत्र स्थापित है वहाँ राष्ट्राध्यक्ष का पद भी जन निर्वाचित होता है, अर्थात जनता का ही कोई व्यक्ति वहाँ पर उस पद पर सुशोभित होता है, जबकि ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है ना कि गणतंत्रात्मक लोकतंत्र को। तो इसका क्या कारण है, क्यों वहाँ राजपद बना हुआ है और उसका औचित्य क्या है? तो यहाँ बात यह बात ध्यान देने की है कि राजपद जो है वो ब्रिटेन में एक ऐतिहासिक महत्व की संस्था है जो कि एक दीर्घकालीन समय से चली आ रही है और उसका एक विशेष महत्व वहाँ की परिस्थितियों में है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया के समय से ही ब्रिटिश सम्राट और प्रभावशाली जो उनका जो व्यक्तित्व था और जो उनकी गौरवपूर्ण भूमिका थी उसने भी निश्चित रूप से सम्राट का जो पद है उसको बराबर रूप से सम्माननीय बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त जो राजपद है उसका लोकतंत्रीकरण भी हो गया है। सम्राट के जो व्यक्तिगत अधिकार और कार्य हैं वो निश्चित रूप से कुछ इस प्रकार से हैं कि जिनकी वहाँ पर उपादेयता है। सम्राट एक सर्वोच्च सलाहकार के रूप में भी काम करता है, सम्राट एक मध्यस्थ के रूप में भी काम करता है, सम्राट जो है वो ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक भी है, और ब्रिटेन का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है उसके लिए भी एक साधन की भूमिका का निर्वाह भी करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्राट का जो पद है वो एक स्थायित्व निरंतरता का पद है और इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी दृष्टिगत होता है जनता के लिए भी और राज्य के लिए भी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि
जो ब्रिटेन का सम्राट है वो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण स्थिति को प्रस्तुत करता है और उसकी उपादेयता वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार निश्चित रूप से महत्वपूर्ण दिखलाई पड़ती है। नमस्कार।